हेलो दोस्तों, हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं दोस्तों एक बर्गर के स्टॉल के ऊपर, और भाई साहब यहां पे बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बर्गर बनाते हैं। तो चलिए आपको शुरुआत, देखिए वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, बहुत ही अच्छा ट्रिक है भाई साहब का बनाने का, पूरा दिखाते हैं। भाई साहब कितने टाइम से बना रहे हो? डेढ़ साल हो गए भाई साहब को यहाँ पे। मैं एक डेढ़ साल हो गया। ये कैसे, सबसे पहले इस पे रखा, उसके ऊपर क्या मसाला लगाया हो? चटनी लगा, चटनी लगाया उस पे। अच्छा। आलू का टिक्की है। चटनी कौन सी है? शेजवान। ठीक है, शेजवान चटनी है। और उसके बाद टिक्की रख दिया है, और उसके बाद कांदा, ये टमाटर हो गया। और अभी देखिए ये आ गया भाई साहब का मसाला, और ये आ गया थोड़ा सलाद डाल दिए, वो पत्ता गोभी डाल दिया है, और ये सॉस आ गया टमाटो सॉस, और ये मायोनीज। और खाने का आप पीने का? पीने का क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर एक आया, बच्चा आया है, तो दुकान वाले ने पूछ लिया कि खाने का, बोलता पीने का। ये देखिए, ये हमारा बर्गर रेडी हो गया है। रेडी हो गया है, कैसा है? आप कितने टाइम से खा रहे हो? मैंने लगभग 8 महीने से खाया। 8 महीने, मज़ा आता है? इधर ही खाने आते हो? बढ़िया बनाता है। चलो ठीक है, तो दोस्तों रिव्यू भी ले लिया है। तो भाई साहब यहाँ पे एक डेढ़ साल से ये बर्गर का, और क्या क्या आइटम है दोस्त आपके पास जो बता दीजिए? बर्गर है, मोमोज है। तो दोस्तों यहाँ पे भाई साहब ने मोमोज भी रखे हुए हैं, ये चाइनीज रोल, ये चाइनीज रोल भी है यहाँ पे, और ये बर्गर है। 3 आइटम सेल करते हैं भाई साहब, बहुत ही हाइजीनिक, देख पा रहे दोस्तों, बहुत साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब का थोड़ा लोकेशन हम यहाँ पर बता देते हैं, और लोकेशन की बात करें तो ये सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बड़वाला सर्कल है जो कि रचना सर्कल के नज़दीक। और भाई साहब का पूरा स्टॉल दिखा देते हैं, ये लिखा हुआ है दिल्ली ना प्रख्यात मोमोज, तो दिल्ली के प्रसिद्ध मोमोज भाई साहब के यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। तो आप सूरत की किसी भी कोने में रहते हो, आप यहाँ के आप मोमोज का आनंद ले सकते हो। तो एक मोमोज का प्लेट लगाइए हमारे लिए। तो दोस्तों अभी आपने बर्गर देख लिया, और अभी यहाँ पे मोमोज भाई साहब बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मोमोज रेडी कर रहे हैं। पहले ये हाफ फ्राई रहता है? हाँ, स्टीम रहता है। भाई साहब इनको पहले पका रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ पे, दिल्ली में काम किए? नहीं, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे? पंजाब में बठिंडा में। तो भाई साहब का एक्सपीरियंस टोटल कितना है, पहले वहाँ पे कितना काम किया, कितने साल? 5 साल। 5 साल भाई साहब ने बठिंडा में काम किए हैं, और आज के टाइम सूरत में ये काम कर रहे हैं दोस्तों। और ये क्या बना दियो? चटनी है। अच्छा, मोमोज का चटनी के ऊपर ये क्या है? मायनीज डाल दिए। मायनीज डाल दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारे मोमोज अभी रेडी हो रहे हैं। और मोमोज का रेट क्या दोस्त? हाफ प्लेट उसका 45। हाफ प्लेट 20 रुपये, और फुल 40। तो फुल में कितने पीस हैं? फुल में 10 पीस है, हाफ में 5 पीस है। तो ये हमारे 5 पीस हाफ प्लेट रेडी हो गए हैं। तो ये हमारे मसाले वगैरह डाल के भाई साहब ने हमारी डिश रेडी कर दिए। तो अभी इसको खा के टेस्ट करेंगे दोस्तों, बताएंगे आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे नए नए फूड रिव्यू सूरत में आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, बहुत सारे। अभी गर्म है थोड़ा, और तो दोस्तों अभी मोमोज कुछ ठंडे हो गए हैं, और ये चटनी के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो भाई साहब ने बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाए हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, और रेट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।